तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमको एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है जो कि एक स्क्रैच्ड ग्लास का है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरा एक मोबाइल है, उसके ऊपर जो हम ग्लास कार्ड लगाते हैं वो जो है थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। मैं जो है आपको एक मोबाइल के ऊपर में जो है बना के दिखाता हूँ। अगर आप चाहें तो आप उसको जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक जो है न्यू कंपोजिशन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मोबाइल के ऊपर मैं जो है आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो ये मोबाइल की एक मेरे पास पिक्चर है। इसको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और इम्पोर्ट करने के बाद में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको जो है मोबाइल दिखेगा थोड़ा सा बड़ा है। एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्केलिंग आ जाएगा। तो स्केलिंग से इसको जो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए, ये एक बिल्कुल फेयर पिक्चर है मोबाइल की अगर आप देखेंगे तो इसको। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फेयर है, जैसा हमारा मोबाइल जो है नया होता है। बट हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, जैसा हमारा स्क्रीन गार्ड के ऊपर में स्क्रैच लग जाते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे इस एरिया को जो है एक इमेज से जो है कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और जो है इस पे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल टूल से। स्ट्रोक इसका हटा देते हैं, स्ट्रोक हमको यहाँ पे नहीं चाहिए है और फिल हमको यहाँ पे चाहिए है। इसको यहाँ से चेंज करते हैं, वाइट फिल को चाहिए। देखिए, दोबारा से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा एरिया जितने में कवर हो रहा है। देखिए, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है आपको, ड्रॉ करने के बाद में हमको जो है इसको राउंड करना है अपने फ़ोन की स्क्रीन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये राउंड नहीं है, हमको इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे और यहाँ पे जो है रेक्टेंगल पाथ वन पे जाएंगे और यहाँ पे इसमें राउंडनेस है तो राउंडनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हमारा जो है ये देखिए राउंड होती जाएगी शेप, जितने भी हमको चाहिए उतना हमको इसको राउंड कर लेना है। तो इतने में हमारा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसको राउंड कर दिया है यहाँ पे। इसको जो है अब अनहाइड कर देते हैं और इसके ऊपर में हम लोग जो है एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आउटलाइन दिखेगी, अब यहाँ का एरिया आपको नहीं दिखेगा। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमको यहाँ पे एक इफेक्ट का हम लोग यूज करेंगे, उसका नाम है कंपाउंड कंपाउंड ब्लर। इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको लाने के बाद में क्या करना है, इसके जो है एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर की एक इमेज यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे देखिए स्क्रैच टेक्सचर की एक इमेज मैंने यहाँ पे रखी है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है अपने मोबाइल के स्क्रीन के अकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। कंट्रोल एस से स्केलिंग आता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको बड़ा करने के बाद में क्या करेंगे, इसको जो है एस हटा देंगे, उसको आर प्रेस करेंगे, आर से रोटेशन आता है तो इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। इसको हमको ऐसे कर लेना है कि हमारा जो है पूरा पिक्चर यहाँ पे कवर हो जाए कुछ इस तरीके से। देखिए, पिक्चर यहाँ पे कवर हो गई है। अब क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके इसको प्री कम्पोज कर देना है। तो यहाँ पे मूव विद ऑल एट्रीब्यूट्स के साथ में इसको प्री कम्पोज कर देंगे। प्री कम्पोज करने के बाद में इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद में वापस से लेयर के ऊपर में चलते हैं, जो हमारा लेयर था, और इसके जो इफेक्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा ब्लर लेयर। तो ब्लर लेयर को क्या करना है, हमको इसको स्क्रैच से मैप करा देना है। तो स्क्रैच से देखिए, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रैच दिखना शुरू हो गए। आपको इसको कम ज़्यादा करना है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर में स्क्रैचेज नज़र आएंगे, जैसे हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर में नज़र आते हैं। मैं आपको हटा के एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक फेयर वो है, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आपको अगर इसमें सिर्फ स्क्रैचेज आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर करनी है तो आप लोग जो है इसमें ब्लर यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है फास्ट बॉक्स ब्लर का आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी स्क्रीन को ब्लर करने के लिए। तो मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 नहीं, इसको 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्की सी आपकी स्क्रीन भी ब्लर हो जाएगी, आप इसको 1 भी रख सकते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ब्लरनेस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली वैसे यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ स्क्रैचेज के साथ में, तो आप सिर्फ स्क्रैचेज के साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ओवरऑल इफेक्ट ये है कि जैसा आपको दिख रहा है कि आपके मोबाइल पे थोड़ा सा पुराना हो गया है और वो जो है थोड़ा सा ऊपर से रस्टेड, सॉरी रस्टेड नहीं, स्क्रैच्ड हो गया है बेसिकली। रस्टेड थोड़ा वर्ड अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्रैच ग्लास का जो है इफेक्ट क्रिएट हो गया है इस तरीके से।